दी, हम कर रहे थे क्लास 8 की हनीड्यू बुक। आज उसका एक और चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है द समिट विद इन। द समिट विद इन का मतलब क्या होता है? समिट का मतलब होता है पीक, शिखर, कि एक जो शिखर होती है, एक जो पीक होता है वो अपने अंदर भी होता है। मतलब यहाँ पर एक पीक की बात होगी, माउंट एवरेस्ट की बात होगी, और ऐसे ही एक जो पीक होता है, एक जो समिट होता है वो हर इंसान के अंदर होता है। तो वो कौन से समिट की बात की गई है या फिर माउंट एवरेस्ट के बारे में यहाँ पे क्या बताया गया है, वो हम इस चैप्टर में रीड करने वाले हैं। द समिट विद इन, दिस इज बाय HPS अहलूवालिया। उन्होंने अपने जो उन्होंने एक माउंट जब माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था, उस वहाँ पर जाकर उनको क्या एक्सपीरियंस हुआ था, उन्होंने क्यों ऐसा डिसाइड किया था वहाँ पर जाकर, क्या क्या उनको फील हुआ, वो सारे जो एक्सपीरियंसेस हैं वो उन्होंने इस चैप्टर में शेयर किए हैं। तो शुरू करते हैं हमारा जो चैप्टर है द समिट विद इन। बिफोर यू रीड पार्ट में, मेजर HPS अहलूवालिया वॉज अ मेंबर ऑफ द फर्स्ट सक्सेसफुल इंडियन एक्सपेडिशन टू माउंट एवरेस्ट इन 1965। मेजर HPS अहलूवालिया जो थे वो एक जो फर्स्ट सक्सेसफुल इंडियन एक्सपेडिशन था, दैट मीन्स कि पहले जब इंडिया में जब माउंट एवरेस्ट पे 1965 में वो गए थे पूरी टीम के साथ में, वो उस टीम के एक मेंबर थे। हाउ डिड ही फील व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड, और उन्हें कैसा फील हुआ था जब वो इस वर्ल्ड के हाईएस्ट पीक पॉइंट पे थे। तो हम सब जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट जो है वो सबसे ऊंची चोटी है, और उनको HPS अहलूवालिया जी को कैसा फील हुआ था जब वो वहां पर पहुंचे थे। लेट अस हियर हिज स्टोरी इन हिज वर्ड्स, क्लाइम द समिट एंड देन द मोर डिफिकल्ट टास्क ऑफ क्लाइंबिंग द समिट विद इन। तो ये जो हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं वो उन्हीं के जो वर्ड्स हैं कि उन्हें कैसा फील हुआ था उस पीक को क्लाइम कर रहे थे, और उससे भी जो डिफिकल्ट टास्क उन्होंने बताया है कि वो जो समिट उन्होंने जो क्लाइम किया है, दैट मींस माउंट एवरेस्ट को उन्होंने क्लाइम किया है, उससे भी डिफिकल्ट टास्क है उस समिट को क्लाइम करना जो हमारे अंदर है। तो किस टाइप का जो पीक है जो हमारे अंदर है, और उसे जो पाना या फिर उस पे क्लाइम करना और भी ज्यादा डिफिकल्ट है इन कंपैरिजन टू माउंट एवरेस्ट, कैसे वो हम देखते हैं। तो शुरू करते हैं ये चैप्टर। ऑफ ऑल द इमोशंस विच सर्ज थ्रू मी एज आई स्टूड ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट, लुकिंग ओवर माइल्स ऑफ पेनोरमा बिलो अस, द डोमिनेंट वन आई थिंक वॉज ह्यूमिलिटी। दैट मीन्स कि जो सारे इमोशंस आ रहे थे मेरे अंदर जब मैं उस एवरेस्ट की चोटी पर था, उसके पीक पर था, उसकी शिखर पे था, तो मेरे अंदर बहुत सारे इमोशंस आ रहे थे, लेकिन जो एक जो इमोशंस जो था वो जो सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग था, सबसे ज्यादा जो मेरे मन में आ रहा था जब मैं एवरेस्ट पे खड़ा होकर चारों तरफ माइल्स दूर तक देख रहा था इतनी ऊंचाई से, पनोरमा व्यू ऑफ अ वाइड एरिया। दैट मीन्स कि जब आप बहुत ऊंची चोटी पे खड़े होते हो तो आपको नीचे से काफी वाइड एरिया नजर आता है। तो वहां से जब मैं देख रहा था तो एक जो विचार जो था, एक जो चीज थी जो सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग थी, दैट वन आई थिंक वॉज ह्यूमिलिटी, मतलब नम्रता। दैट मीन्स कि हम्बलनेस। द फिजिकल इन मी सीम टू से थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर, और मेरे अंदर जो फिजिकल, दैट मीन्स जो मेरे शरीर की ताकत थी, वो मेरे अंदर का जो फिजिकल स्ट्रेंथ थी वो कह रही थी थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर, कि अच्छा हुआ कि ये सब कुछ खत्म हो गया। दैट मीन्स कि मैं काफी थक गया था। हाउएवर इंस्टेड ऑफ बींग जुबिलेंट देयर वॉज अ टिंज ऑफ सैडनेस, कि यहाँ पर क्या है कि मतलब खुशी के साथ साथ, जुबिलेंट का मतलब वेरी हैप्पी बिकॉज ऑफ सक्सेस, कि मैंने माउंट एवरेस्ट की चोटी को चढ़ लिया था, उसको क्लाइम करके वहां पर चोटी पे मैं पहुंच गया था, लेकिन इसके साथ में एक टिंज, दैट मीन्स ए शेड ऑफ, मतलब थोड़ी सी झलक दुख की भी थी। वो क्या थी? वॉज इट बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग एंड देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइम एंड ऑल रोड्स हियर आफ्टर वुड लेट डाउन। कि आपको क्या लगता है कि मेरे को इतने खुशी के साथ साथ में जो एक झलक सैडनेस की थी वो क्यों थी? वो शायद इसलिए कि जो सबसे ऊंची चोटी थी, जो सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट, वो मैंने
चढ़ लिया था, वो मैंने क्लाइंब कर लिया था, तो अब इससे ऊंचा कुछ भी नहीं है जिसे मैं क्लाइंब करना चाहूंगा। यहां से जितनी भी रोड जाती हैं, दैट मींस कि अगर मैं कुछ भी डिसाइड करूं कुछ भी क्लाइंब करने के लिए, या फिर अब मैं वापस जाऊंगा, तो यहां से जो रोड्स हैं वो सारी मुझे नीचे की तरफ ही लेकर जाएंगी। मतलब इससे ऊपर कुछ भी मेरे पास अब और कुछ नहीं है जिसको मैं क्लाइंब करना चाहूंगा। बाई क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट यू आर ओवरवेम्ड बाई अ डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस। अब जैसे कि जैसे ही जो एवरेस्ट की चोटी पर आप पहुंचते हो, उसको क्लाइंब करने के बाद में, मतलब एक बहुत अच्छा डीप सेंस आपके अंदर, बहुत ऐसी फीलिंग आती है जॉय की और थैंकफुलनेस की। इट इज़ अ जॉय विच लास्ट अ लाइफ टाइम। और वो एक ऐसा जॉय होता है एवरेस्ट को क्लाइंब करने के बाद में जो कि लाइफ टाइम के लिए रहता है। द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली, और जो एक्सपीरियंस उस टाइम पे आप फील करते हो वो आपको पूरा चेंज कर देता है। मतलब वहां पर जब आप माउंट एवरेस्ट की पीक पर चढ़कर और फिर जब दुनिया देखते हो, या फिर वहां का जो वास्ट जो वाइड एरिया देखते हो, तो आपकी जो फीलिंग होती है वो काफी जॉयफुल होती है। आप थैंकफुल भी होते हो गॉड के कि ये सब मैंने अचीव कर लिया। साथ ही साथ में जो मतलब वहां पर जो आप एक्सपीरियंस करते हो वो आपको बिल्कुल चेंज कर देता है। द मैन हु हैज बीन टू द माउंटेन्स इज नेवर द सेम अगेन। और वहां पर जो मतलब आपने वो उस पीक पे पहुंचने से पहले जो इंसान थे वो हम उस पीक पे पहुंचने के बाद में वो वैसे नहीं रहते हो, मतलब आपका नजरिया बिल्कुल चेंज हो जाता है किस टाइप का, तो वो हम देखते हैं। एज आई लुक बैक एट लाइफ आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट, आई कांट हेल्प रिमार्किंग अबाउट द अदर समिट, द समिट ऑफ द माइंड, नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो इजियर टू क्लाइंब। तो जैसे ही मैं मतलब माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने से पहले जब मैं अपनी लाइफ में पीछे की तरफ झांकता हूँ, दैट मीन्स कि मैं पास्ट के बारे में सोचता हूँ, तो मतलब आई कैन नॉट हेल्प रिमार्किंग अबाउट अदर समिट, कि मेरे को इसके अलावा, मतलब एवरेस्ट के अलावा मेरे को कोई और समिट के बारे में नहीं पता था। स्पेशली समिट ऑफ माइंड, कि एक हमारे माइंड में, हमारे अंदर भी एक समिट होता है, एक पीक होता है जहां पर मतलब हम पहुंचना चाहते हैं, या फिर उस पीक पे भी पहुंचना इतना ही मतलब मुसीबत भरा होता है या इतना ही हार्ड होता है, इजी नहीं होता है उसे क्लाइम करना। इवन वैन गेट्स डाउन फ्रॉम द समिट, वंस द फिजिकल एग्जॉशन हैड गोन, आई बिगेन आस्किंग माई सेल्फ द क्वेश्चन वाई आई हैड क्लाइम एवरेस्ट। तो जैसे ही, जैसे कि एक तो उन्होंने जो पीक बताया, एक जो समिट बताया, वो माउंट एवरेस्ट का है। यहाँ पर आप फोटो भी देख सकते हो HPS अहलूवालिया जी की। तो वो कहते हैं कि एक जो समिट होता है वो हमारे अंदर भी होता है, हमारे माइंड में भी होता है। लेकिन अगर हम माउंट एवरेस्ट की बात करें, उसके समिट की बात करें, तो जो फिजिकल जो एनर्जी होती है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। दैट मीन्स कि हम बहुत थक जाते हैं, और जैसे कि उस पे जब हम चढ़ना स्टार्ट करते हैं, इतनी टायर्डनेस होती है कि हम अपने आप से ये क्वेश्चन पूछते हैं कि वाई आई हैड क्लाइम्ड एवरेस्ट, कि क्यों मैंने ये मतलब चढ़ना स्टार्ट किया था, क्यों मैं माउंट एवरेस्ट पे मैंने क्लाइम किया। वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट हैव सच ए होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन, कि मैं चढ़ना ही क्यों चाहता था माउंट एवरेस्ट पे, मेरी इमेजिनेशन पे इतना उसने होल्ड कैसे पा लिया था कि मेरे लिए माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करना इतना नेसेसरी क्यों हो गया था। इट वॉज ऑलरेडी अ थिंग ऑफ द पास्ट, समथिंग डन येस्टरडे। और ये जो चीज़ है ये पास्ट की हो जाएगी अब। अगर आपने एक बार जो चीज़ आप अचीव करना चाहते हो, अगर उसे आपने अचीव कर ली है, तो दैट मीन्स कि वो एक्ट ऑफ पास्ट हो जाएगा, कि आज नेक्स्ट डे वो येस्टरडे की बात हो जाएगी, उससे नेक्स्ट डे डे बिफोर येस्टरडे हो जाएगा, तो मतलब और पुरानी पुरानी बात होती जाएगी। विद एवरी पासिंग डे इट वुड बिकम मोर रिमोट, और हर एक दिन जैसे जैसे बीतता जाएगा वो जो चीज़ है वो बहुत और दूर होती चली जाएगी, मतलब और ज़्यादा पास्ट बनता जाएगा। एंड देन वॉट वुड रिमेन, वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे, और फिर बचेगा क्या, क्या मेरी जितनी भी मेमोरीज होंगी इससे जो रिलेटेड हैं वो क्या सारी धीरे धीरे फेड होना शुरू हो जाएंगी, क्या धुंधली पड़ना शुरू हो जाएंगी। ऑल दिस थॉट लेड मी टू क्वेश्चन माई सेल्फ एज टू वाई पीपल क्लाइम माउंटेन्स, और यही सारे क्वेश्चन जब मेरे माइंड में आ रहे थे तो मैंने ये सोचा, ये एक क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में कि लोग माउंटेन्स चढ़ते क्यों हैं।
इट इज नॉट इजी टू आंसर द क्वेश्चन, और इतना आसान नहीं है इस क्वेश्चन का आंसर कि जस्ट हम एक लाइन में अगर आंसर देना चाहें कि किसी को पसंद है, किसी को चैलेंजेस लेना पसंद है, या किसी को नेचर की ऐसी चीजें एक्सप्लोर करना पसंद है, अगर हम कुछ एक चीज बोलें तो इतना इजी नहीं है इस क्वेश्चन का आंसर. द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी एज अदर्स हैव सेड बिकॉज इट इज देयर. और जैसे कि हम माउंटेन चढ़ते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट लोग वक्त चढ़ते हैं, और अगर हम किसी से एक ये क्वेश्चन करें, ये पूछना चाहें, तो एकदम जो सिंपल सा आंसर होता है वो ये है कि हाँ है बिकॉज इट इज देयर, कि यहाँ पर है, अगर माउंट एवरेस्ट है इसलिए हम उसे क्लाइम कर रहे हैं, अगर नहीं होता तो हम नहीं करते. इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफिकल्टीज. और इससे मतलब जब हम माउंट एवरेस्ट जो चढ़ते हैं, जो क्लाइम करते हैं, उनको काफी सारे डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है, और कुछ लोगों को ऐसे जो डिफिकल्टीज होती हैं उनका सामना करना अच्छा लगता है. मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स. और कुछ लोग जो होते हैं वो मतलब इसका सामना करने के लिए, ऑब्स्टेकल्स का सामना करने के लिए, डिफिकल्टीज का सामना करने के लिए, हर्डल्स का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं. द ऑब्स्टेकल्स इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर फिजिकल. और स्पेशली अगर आप माउंटेन पे चढ़ रहे हो तो जो पहली जो डिफिकल्टी होती है, अगर आप सोचो कि सबसे डिफिकल्ट क्या होगा, तो वो फिजिकल है. मतलब अदर जो अगर कुछ ऐसे काम होते हैं, मे बी वो मेंटली आपको प्रेशर करें, लेकिन ऐसी जो चीजें होती हैं कि आप माउंटेन वगैरह को क्लाइम करना चाहते हो, तो ऑफकोर्स वो फिजिकल ज्यादा मतलब पावर चाहिए आपको. क्लाइम टू अ समिट मीन्स एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर. मतलब कि कोई भी समिट, किसी भी पीक पर अगर आप पहुंचना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास सहन शक्ति होनी चाहिए, उस चीज के लिए दृढ़ निश्चय होना चाहिए, आपका विल पावर होनी चाहिए आपके अंदर, तब वो आप कर सकते हो. द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दीज फिजिकल क्वालिटीज इज नो डाउट एक्सिलरेटिंग एज इट वॉज नॉट वॉज फॉर मी ऑल्सो. और फिर ये जो फिजिकल क्वालिटीज होती हैं, अगर किसी के अंदर सबसे पहले तो अगर फिजिकली फिट ही नहीं हो, अगर आप में सहन शक्ति नहीं है, तो आप नो डाउट कि आप ये सब कुछ कर ही नहीं पाओगे. और यही जो चीजें थी वो मेरे अंदर भी थी, और यही चीज जो थी कि मैं माउंट एवरेस्ट क्लाइम करना चाहता था. तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस के आंसर वो देना चाहते हैं कि किस किस चीज की वजह से कोई माउंट एवरेस्ट क्लाइम करना चाहता है, कि सबसे पहले कि कोई भी माउंटेन है उसको क्लाइम करने के लिए आपके अंदर एंड्योरेंस, परसिस्टेंस और विल पावर होना बहुत जरूरी है. आई हैव ए मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन. और एक इस क्वेश्चन का एक मोर पर्सनल आंसर और मैं देना चाहूंगा कि और मैं किस लिए चाहता था. जैसे मेरे अंदर फिजिकल स्ट्रेंथ थी, ये जो फिजिकल क्वालिटीज मेरे अंदर थी, इसलिए भी मैं माउंट एवरेस्ट क्लाइम करना चाहता था. लेकिन साथ ही साथ में फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाय माउंटेन्स. और मैं बचपन से ही माउंटेन्स की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता था, इसलिए भी मैं माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करना चाहता था. आई हैड बीन मिजरेबल लॉस्ट व्हेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स इन द प्लेन्स. और हाँ, मुझे बचपन से ही अच्छे लगते थे माउंटेन्स. मैं बहुत ज्यादा दुखी होता था, बहुत ज्यादा मिजरेबल फील करता था जब मैं प्लेन्स में होता था, दैट मीन्स कि माउंटेन्स से दूर होता था. माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट. माउंटेन्स जो होते हैं नेचर की सबसे बेस्ट थिंग्स हैं. दे ब्यूटी एंड मैजेस्टी पोज अ ग्रेट चैलेंज एंड लाइक मैनी आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विद गॉड, सॉरी कम्युनियन विद गॉड. तो यहाँ पर क्या बताया हुआ है कि जो नेचर की जो बेस्ट थिंग है वो है माउंटेन्स. माउंटेन्स की ब्यूटी इतनी अच्छी है. ऑफ कोर्स आपने माउंटेन्स देखे होंगे, कभी आप नॉर्थ में गए होंगे, और इतने अच्छी ब्यूटी होती है वहां पर, देखने से ही मतलब आपको बहुत अच्छा लगेगा. साथ ही साथ में उसका जो पोज होता है, मैजेस्टी पोज, मतलब कितना पावरफुल पोज होता है, बिल्कुल ऐसे किंग की तरह खड़े रहते हैं. मतलब जब हम किसी भी चीज में स्ट्रेंथ की बात करते हैं या फिमनेस की बात करते हैं, तो हम माउंटेन्स की बात करते ही हैं. तो जो मैजेस्टी पोज है वो भी ग्रेट चैलेंज देता है कि मतलब इस पे क्लाइम करना चाहिए हमें, फिजिकल अपना जो स्ट्रेंथ है वो साबित करनी चाहिए. एंड लाइक मैनी आई बिलीव दैट, कि जैसे और लोग बिलीव करते हैं, वैसे ही मैं ये बिलीव करता हूँ कि जो माउंटेन्स हैं दे आर कम्युनियन विद गॉड, दैट मीन्स फीलिंग और स्टेट
स्टेट विद गॉड की, मतलब वो कहीं ना कहीं ऐसे ही हमें फीलिंग देते हैं. वंस हैविंग ग्रांटेड दिस द क्वेश्चन रिमेन्स व्हाई एवरेस्ट, बिकॉज इट इज द हाईएस्ट द माइटेस्ट एंड हैज डिफाइड मैनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स. अब ये देखो कि हम ये जानते हैं कि यहाँ पर की माउंटेन्स जो है उनके पास में सबसे, मतलब अगर गॉड का सबसे ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप है किसी का तो वो माउंटेन्स का है. दैट मीन्स कि वो इतने हाई होते हैं, मे बी इसलिए भी कहते हैं. अब दूसरी चीज कि अगर अभी भी एक चीज, तो अगर इन सब चीजों को देखकर भी अगर एक क्वेश्चन फिर भी रह जाता है कि एवरेस्ट ही क्यों, मतलब अगर मेरे में फिजिकल स्ट्रेंथ है, अगर मुझे माउंटेन्स अट्रैक्ट करते हैं तो भी माउंटेन, मतलब माउंट एवरेस्ट ही क्यों, क्योंकि वो सबसे ऊंची है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा माइटेस्ट है, और मतलब उसके ऊपर जो पहले से डिफाइड, दैट मीन्स रेजिस्टेड और फ्रस्ट्रेटेड, मतलब कई बार जो अटेम्प्ट्स जो होते हैं, मैनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स जो होते हैं वो फेल भी हो चुके हैं, क्योंकि हर कोई मतलब माउंट एवरेस्ट पे नहीं चढ़ पाता है, क्लाइम नहीं कर पाता है. इट टेक्स द लास्ट ऑन्स ऑफ वंस एनर्जी, क्योंकि जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है कि एक जो लास्ट किसी की भी एनर्जी का जो लास्ट जो कुछ पार्ट बचा हुआ होता है ना, वो भी इसमें कंज्यूम हो जाता है. दैट मीन्स कि इतनी फिजिकल स्ट्रेंथ लगती है, इट इज अ ब्रूटल स्ट्रगल विद रॉक एंड आइस, कि जब हम माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते हैं तो रॉक एंड आइस के साथ में जो ब्रूटल स्ट्रगल करना पड़ता है, दैट मीन्स कि इतना रॉकी है, इतना हाई है, और उसके साथ साथ में आइस है वहां पर, तो मतलब ब्रीदिंग भी मुश्किल हो जाती है. वंस टेकन अप इट कॉन्ट बी गिवन अप हाफ वे, और अगर हमने एक बार ये चैलेंज ले लिया कि मुझे माउंट एवरेस्ट पे क्लाइम करना है, तो हम उसे आधे रास्ते में तो नहीं छोड़ते हैं. क्यों? इवन बैन वंस लाइफ इज एट स्टेक, दैट मीन्स कि अगर हमारी लाइफ भी अगर दांव पे लगी हुई है तो भी हम आधे रास्ते से तो वापस नहीं आते हैं अगर हम एक बार माउंट एवरेस्ट चढ़ने लग जाते हैं तो. क्यों? द पासिस बैक इज एज डिफिकल्ट एज द पासिस ऑनवर्ड्स, क्योंकि अगर मतलब आधे रास्ते से अगर आप वापस आओगे तो भी तो डिफिकल्टी का सामना करना पड़ेगा, तो भी तो डिफिकल्ट होगा आपके लिए, तो इसलिए आप ऊपर चढ़ना ज्यादा पसंद करोगे, मतलब आगे की तरफ बढ़ना ज्यादा पसंद करोगे. एंड देन व्हेन द समिट इज क्लाइम्ड देयर इज द एक्सिलरेशन द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग. अब अगर एक बार फिर आपने एक बार ठान लिया है और अगर आप माउंट एवरेस्ट पे क्लाइम कर लिया है आपने, तो जो खुशी मिलेगी ना आपको कि मतलब आपने जैसे कुछ अचीव कर लिया है, द सेंस ऑफ बैटल फॉट एंड वॉन, कि आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मैंने कोई लड़ाई लड़ी है और मैं जीत गया हूँ, क्योंकि वही है कि ब्रूटल फाइट जो होती है रॉक एंड आइस के बीच में, दैट ब्रूटल स्ट्रगल, तो अगर उसमें मतलब इतनी डिफिकल्टीज के बाद में अगर आपने क्लाइम कर लिया है तो आपको ऐसा फील होगा जैसे आपने कोई लड़ाई लड़ी है और आप उसमें जीत गए हो. देयर इज अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड ऑफ हैप्पीनेस, और आपके अंदर जो फीलिंग होगी वो विक्ट्री और हैप्पीनेस की होगी, खुशी की और जीत की खुशी होगी आप में. ग्लिम्प्सिंग अ पीक इन द डिस्टेंस आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड, और मतलब जब आप ऊपर जब चोटी से और डिस्टेंस की तरफ देखते हो, चारों तरफ देखते हो, चारों तरफ की जो झलक देखते हो, आपको मतलब ऐसा लगता है कि आप दूसरी दुनिया में पहुंच गए हो. आई एक्सपीरियंस अ चेंज विद इन माई सेल्फ, और मैंने भी, HPS अहलूवालिया जी क्या कहते हैं कि मैंने भी अपने आप में एक चेंज जो है वो एक्सपीरियंस किया. दैट मीन्स विच कैन ओनली बी कॉल्ड माइस्टिकल, दैट मीन्स स्पिरिचुअल, कि मैंने अपने आप में जो चेंज फील किया वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई स्पिरिचुअल चेंज हो. बाय इट्स ब्यूटी, एलफनेस, माइटी रगनेस एंड द डिफिकल्टीज इनकाउंटर्ड ऑन द वे द पीक ड्रॉज मी टू इट एज एवरेस्ट डिड, कि मतलब जैसे एवरेस्ट की चोटी पे जब हम पहुंचते हैं उसी तरीके से जो जब मैं माउंट एवरेस्ट पे पहुंचा था तो मेरे अंदर ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अंदर कुछ स्पिरिचुअल चेंज आया हुआ हो, उसकी ब्यूटी से, उसकी रगनेस से, या फिर ये कह सकते हो कि इतनी सारी डिफिकल्टीज जो मैंने इनकाउंटर की थी चढ़ते वक्त, क्लाइंब करते वक्त, तो जो चीजें मैंने एक्सपीरियंस की थी उन सब चीजों की वजह से ये चेंज था मुझ में. और ये चेंज कैसा था? इट इज अ चैलेंज दैट इज डिफिकल्ट टू रेजिस्ट,
कि ये एक ऐसा चैलेंज था जिसे मैं छोड़ नहीं सकता था, मतलब अधूरा नहीं छोड़ सकता था, इसे मैं फ्रस्ट्रेट नहीं हो सकता था. लुकिंग बैक आई फाउंड दैट आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन्ड व्हाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट. और इन सब चीजों के बावजूद भी मैं जब वापस से देखता हूँ कि जो मैंने बताया, फिजिकल स्ट्रेंथ बताया, विल पावर बताई, या फिर जो माउंटेन के लिए जो अट्रैक्शन था उसका चाइल्डहुड में, वो सब, फिर भी इतना कुछ भी बता के मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी मैंने सारा कुछ नहीं बताया. मतलब वो मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं था कि मैंने क्यों क्लाइम किया था एवरेस्ट को. इट इज लाइक आंसरिंग ए क्वेश्चन व्हाई यू ब्रीथ, कि मतलब ये तो ऐसा होगा ना कि मतलब मैंने काफी थोड़ा बताया तुम्हें कि मैंने एवरेस्ट क्यों क्लाइम किया था. ये तो उस तरीके का आंसर होगा जैसे कि हम सांस क्यों लेते हैं, व्हाई डू यू हेल्प योर नेबर, आप अपने पड़ोसी की मदद क्यों करते हो, व्हाई डू यू वॉन्ट टू डू सम टू डू गुड एक्ट्स, तुम्हें अच्छे काम करने क्यों पसंद है. देयर इज नो फाइनल आंसर पॉसिबल. जैसे इन सब क्वेश्चंस का एक फाइनल आंसर नहीं होता है, सबकी अपनी राय होती है, और अगर अपनी राय देते भी हैं तो वो भी शायद कंप्लीट नहीं होती है. मतलब मैनी मैनी रीजंस होते हैं उसके पीछे, या फिर कुछ ऐसे रीजन जो आप अच्छे से एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते हो. उसी तरीके से जो मैंने एवरेस्ट को क्यों क्लाइम किया, मे बी कि मतलब वो सबसे ज्यादा ऊंची चोटी है, माइस्टिकल है, मतलब कुछ भी आप ये सोच सकते हो, लेकिन फिर भी ये शायद मेरे क्वेश्चन का आंसर फुल्ली तो नहीं है. कोई फाइनल आंसर तो अभी तक मैंने नहीं दिया है. एंड देन देयर इज द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइम. और फिर एक फैक्ट ये भी है कि सिर्फ माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करना कोई फिजिकल क्लाइम नहीं है. दैट मीन्स द मैन हु हैज बीन टू द माउंटेन टॉप बिकम कॉन्शियस इन स्पेशल मैनर ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस इन दिस लार्ज यूनिवर्स. कि दैट मीन्स कि उसके बाद में आपके माइंड में इतना चेंज आएगा, या आपकी थॉट प्रोसेस जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी, क्योंकि जो माउंटेन के टॉप पे पहुंच गया उसका जो मतलब एक स्पेशल मैनर में वो खुद को एक स्मॉलनेस को फील करेगा अपने. जैसे कि अगर माउंट एवरेस्ट पे बैठ आप पहुंच कर और फिर अपना जो चारों तरफ का एरिया देखोगे, तो आपको ये लगेगा कि ये जो लार्ज सा यूनिवर्स है इसमें आप कितने छोटे हो. मतलब हम अपने आप को इतना बड़ा मानते हैं, या फिर हम सोचते हैं हम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन आप इतनी बड़ी चीज पर, इतने माउंट एवरेस्ट पे, इतनी ऊंची चोटी पर जब आप पहुंचते हो और फिर चारों तरफ देखते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि इस बड़े से यूनिवर्स में आपकी जगह ही क्या है. कि मतलब एक स्पेशल मैनर में आप खुद को बहुत छोटा फील करोगे. द स्पेशल कॉन्क्वेस्ट ऑफ द माउंटेन इज ओनली वन पार्ट ऑफ अचीवमेंट. और मतलब ये जो फिजिकल कॉन्क्वेस्ट है कि मतलब आप फिजिकली, आप में स्ट्रेंथ है, आप माउंटेन पे, तो ये एक छोटी सी अचीवमेंट है. देर इज मोर टू इट देन दैट. कि आपने अगर ये माउंटेन क्लाइंब भी कर लिया है तो दुनिया में इससे भी बड़ी चीजें हैं. तो इट इज फॉलोड बाई ए सेंस ऑफ फुलफिलमेंट. देयर इज द सेटिस्फैक्शन ऑफ डीप अर्ज टू राइज अबव वन सराउंडिंग्स. मतलब अपने अंदर एक बहुत सेंस ऑफ फुलफिलमेंट जो होती है वो आती है. मतलब आपके अंदर एक सेटिस्फैक्शन होती है, आपके चारों तरफ जो सराउंडिंग है उसमें एक सेटिस्फैक्शन सी फील होती है. इट इज़ द इटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मैन. और मतलब इसलिए भी शायद माउंट एवरेस्ट लोग क्लाइम करते हैं कि मतलब ये एडवेंचर भी करने का मन करता है. कि कई लोग जो होते हैं उनको एडवेंचर करना बहुत पसंद होता है. द एक्सपीरियंस इज नॉट मेयरली फिजिकल, इट इज इमोशनल, इट इज स्पिरिचुअल. और जो आप एक्सपीरियंस करते हो वो सिर्फ फिजिकल नहीं है, इमोशनल भी है और स्पिरिचुअल भी है. आपके अंदर बहुत सारी चीजों, आपके सोचने का तरीका, बहुत सारी चीजें आपके अंदर आपको फील होंगी. जैसे इनको फील हो रहा था कि वहां पर पहुंचने के बाद में आपको ऐसा लगता है कि इस बड़े से यूनिवर्स का एक आप छोटा सा हिस्सा हो. कंसिडर अ टिपिकल क्लाइम टूअर्ड्स द समिट ऑन द लास्ट हाइट्स, यू आर शेयरिंग ए रोप विद अनदर क्लाइमर. और इस तरीके से मतलब किस तरीके से आप क्लाइम करते हो, यहाँ पर ये बताया गया है कि जब लास्ट हाइट्स पे आप पहुँचते हो, आप जब माउंट एवरेस्ट क्लाइम कर रहे होते हो तो एक दूसरे से शेयरिंग करते हो, आप जैसे रोप शेयर करते हो दूसरे क्लाइमर के साथ में. यू फेम इन, कि आप एकदम कस के उसको पकड़ लेते हो. मेक योर सेल्फ फेम, दैट मीन्स कि आप एक जगह पे रुककर एकदम से वहां पर स्टिफ हो जाते हो. दैट मीन्स कि आप दूसरे की हेल्प कर रहे हो, आप उसको रोप देते हो अनदर क्लाइमर को, और फिर
वहां पर आप उसको ऊपर आने में मदद करते हो उस रोप की हेल्प से. ही कट्स द स्टेप इन द हार्ड आइस, और इस तरीके से हार्ड आइस में अपने स्टेप्स को काटते हुए देन ही बिलेज एंड यू इंच योर वे अप. और फिर जैसे आपने देन फिक्स अ रोप, दैट मीन्स कि आपने जैसे पहले उसे खुद को फिल्म करके और उसे रोप से खींचा था, फिर वो अपने जो स्टेप्स हैं वो हार्ड आइस में काटते हैं और उसी तरीके से फिर वो आपकी हेल्प करते हैं, उस रोप को फिक्स करते हैं. द क्लाइम इज ग्रिम, और इस तरीके से मतलब आपको फिर वो वन बाय वन एक दूसरे की हेल्प करते हैं जो क्लाइमर होते हैं. तो द स्ट्रेन नेवर सॉरी यू स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप, और मतलब आपको जो हर एक जो स्टेप ले रहे होते हो तो इस तरीके से लगता है कि यू स्ट्रेन एवरी नर्व ऑफ यू. और एक दूसरे की जब क्लाइंबर हेल्प करते हैं, जैसे एक बार एक जो फिल्म रह के रोप से दूसरे क्लाइंबर को खींचता है, फिर दूसरा उसकी हेल्प करता है. फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स, और इस तरीके से जो फेमस क्लाइंबर्स होते हैं वो रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो भी छोड़ते हैं कि किस तरीके से उन्होंने हेल्प गिवन बाय अदर्स, दूसरों ने उनकी हेल्प की थी. एज दे माइट हैव गिवन अप, और कई बार वो गिवन अप भी कर देते हैं. ब्रीदिंग इज डिफिकल्ट, वहां पर जो सांस लेना होता है वो मुश्किल होता है क्योंकि जैसे जैसे आप हाइट पे चढ़ते हो आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है. यू कर्स योर सेल्फ फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस, और कई बार आप खुद को कर्स भी करते हो कि आपने खुद को ऐसे सिचुएशन में क्यों डाला, कि क्या जरूरत थी आपको माउंट एवरेस्ट क्लाइम करने की, अच्छी खासी तो चल रही थी जिंदगी. यू वंडर व्हाई यू एवर अंडरटुक द एसेंट, और मतलब इस तरीके का जो क्लाइम था एसेंट, दैट मींस क्लाइम की इस तरीके का क्लाइम करने की आपने क्यों ठाने. देयर आर मोमेंट्स व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक, कई बार तो ऐसे मोमेंट्स भी आएंगे जब आपको ऐसा लगेगा कि आपको वापस चले जाना चाहिए. इट वुड बी श्योर रिलीफ टू गो डाउन इंस्टेड ऑफ अप, और आपको ऐसे लगेगा कि नीचे जाने में ज्यादा रिलीफ फील होगा ऊपर जाने के बजाय. बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट ऑफ दैट मूड, लेकिन थोड़ी ही देर में आप उस मूड से छुटकारा पा लेते हो, उसको स्नैप आउट कर देते हो, मतलब वो जो मूड आपका होता है उसको चेंज कर लेते हो. देयर इज समथिंग इन यू दैट डज नॉट लेट यू गिव अप द, और आपके अंदर कुछ ऐसा होता है दैट नॉट लेट यू गिव अप द स्ट्रगल, कि आपके अंदर ये जो स्ट्रगल हो रही होती है, ये जो आप स्ट्रगल कर रहे होते हो, इसको छोड़ने के लिए आपको वो चीज तैयार ही नहीं होती. कुछ ऐसा होता है आपके अंदर कि आप इस स्ट्रगल को नहीं छोड़ते हो एंड यू गो ऑन, और फिर आप चढ़ते चले जाते हो, क्लाइम करते चले जाते हो. योर कंपेनियन कीप्स यू कीप्स अप विद यू जस्ट अनदर 50 feet, और इस तरीके से आपके जो कंपेनियन भी होते हैं वो भी आपका साथ देते हैं और आपको ऐसे लगता है कि और जस्ट अनदर 50 feet है, मतलब 50 feet ही तो और बचे हैं, और 100 में भी, और हो सकता है 100 feet और बचे हों मे बी, कि मतलब इस तरीके से हम इस तरीके से सोचते हुए हम क्लाइम करना स्टार्ट कर देते हैं. यू आस्क योर सेल्फ इज देयर नो एंड, और फिर कभी खुद से आप पूछते हो कि क्या इसका कोई एंड नहीं है. यू लुक एट योर कंपेनियन एंड ही लुक्स एट यू, और इस तरीके से आप क्लाइम करते हो कि कभी आपका कंपेनियन आपकी तरफ देखता है और कभी आप उसकी तरफ देखते हो. दैट मीन्स कि आप ऐसे सोचते हो कि और कितना क्लाइम हमें करना बाकी है. यू ड्रॉ इंस्पिरेशन फॉर ईच अदर, जो आपके कंपेनियन होते हैं और आप होते हो, जैसे कि HPS अहलूवालिया जी ने भी अपने कंपेनियंस के साथ में ये क्लाइम किया था. तो आप एक दूसरे के लिए इंस्पिरेशन होते हो, एक दूसरे को ताकत देते हो, एक दूसरे को हिम्मत बंधाते हो और इस तरीके से आप क्लाइम कर लेते हो. एंड देन विदाउट फर्स्ट बींग अवेयर ऑफ इट यू आर एट द समिट, और फिर इस तरीके से आप लास्ट में अवेयर भी नहीं होते इस चीज से कि आप समिट पे पहुंच चुके हुए होते हो. लुकिंग राउंड फ्रॉम द समिट यू टेल योर सेल्फ दैट इट वॉज वर्थ वाइल, और जब आप वहां पर समिट पे उस पीक पे जब पहुंच जाते हो तो आप जब चारों तरफ देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये वर्थ वाइल था, दैट मीन्स कि हमने इतना जो स्ट्रगल किया था ये मतलब फ्रूटफुल है. अदर सिल्वरी पीक्स अपीयर थ्रू द क्लाउड्स इफ यू आर लक्की द सन मे बी ऑन देम, और कई बार ऐसा होता है कि अदर जो सिल्वरी पीक्स होती हैं, मतलब माउंट एवरेस्ट के चारों तरफ और भी अदर पीक्स हैं, वो सिल्वरी दिखती हैं, दैट मीन्स उनके ऊपर पूरा आइस आइस जमी रहती है, और वो जो सिल्वरी पीक्स होती हैं वो क्लाउड्स के अंदर से दिख रही हैं, और अगर आप लक्की हो तो वहां पर सन भी
अगर नजर आता है तो दैट मींस कि वो जो व्यू होता है ना वो बहुत अच्छा होता है देखने में, आपको बहुत अच्छा लगेगा। द सराउंडिंग पीक लुक लाइक अ ज्वेल्ड नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर समिट। और जो आसपास की जो चोटियां हैं, आसपास की जो पीक्स हैं, वो इस तरीके से लगेगा जैसे आप जिस समिट पे खड़े हो उसका वो ज्वेलरी होगी, दैट मीन्स कि वो नेकलेस हो, कोई नेकलेस पीस हो, और वो अदर जो पीक्स हैं वो उसके पार्ट्स हैं उस नेकलेस के। बिलो यू सी वास्ट वैली स्लोपिंग इन टू द डिस्टेंस। और अगर नीचे की तरफ देखोगे तो आपको बहुत सारी वास्ट वैलीज नजर आएंगी स्लोपिंग इन टू द डिस्टेंस, एंड इट इज एन एनोबलिंग इनरिचिंग एक्सपीरियंस टू जस्ट लुक डाउन फ्रॉम द समिट ऑफ ए माउंटेन। और इस चीज को जब आप देखते हो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है, इतना इनरिचिंग एक्सपीरियंस होता है कि जब आप पीक पे पहुंचकर आप नीचे की तरफ देखते हो किसी माउंटेन पे इतनी ऊंची चोटी पर चढ़कर, यू बो डाउन एंड मेक योर ऑब्सेंस टू विच एवर गॉड यू वर्शिप। और फिर क्या करते हो, आप झुकते हो, आप बो डाउन करते हो और अपना जो ओबीडियंस होता है, जो अपना ग्रेटिट्यूड होता है, वो उस भगवान के लिए शो करते हो जिसकी आप पूजा करते हो। मतलब हर इंसान होता है या हर धर्म के लोग होते हैं अपने अपने गॉड को मानते हैं, तो आप वहां पर पहुंच के ये सब कुछ देखकर अपने भगवान के लिए काफी आप ओबीडियंस फील करते हो और अपना ओबीडियंस शो करते हो। आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट ए पिक्चर ऑफ गुरु नानक, दैट मीन्स कि HPS अलुवालिया जी ने वहां पर एवरेस्ट पे एक पिक्चर गुरु नानक जी की भी छोड़ी थी। रावत लेफ्ट ए पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा। और जो हमारे साथ में जो HPS अलुवालिया जी के जो कंपेनियन थे रावत जी, उन्होंने गॉडेस दुर्गा की फोटो भेजी थी, छोड़ी थी, सॉरी, जो देवी दुर्गा हैं उनकी पिक्चर वहां पर माउंट एवरेस्ट पे छोड़ी थी। पहुदौड़ जी लेफ्ट ए रेलिक ऑफ द बुद्धा की, मतलब जो इनके एक और कंपेनियन थे पहुदौड़ जी, उन्होंने एक बुद्धा का जो रेलिक, मतलब उनका एक सिंबल छोड़ा था वहां पर। एडमंड हिलेरी हैड बरीड ए क्रॉस अंडर ए कैर्स अ हीप ऑफ रॉक्स एंड स्टोन्स इन द स्नो। अब क्या होता है कि जो एक और कंपेनियन होते हैं एडमंड हिलेरी जी, वो एक जो क्रॉस है साइन, दैट मींस कि वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते होंगे, उन्होंने वो क्रॉस जो है वो केयर का मतलब क्या होता है, अ हीप ऑफ रॉक्स एंड स्टोन की, मतलब एक रॉक्स की हीप होती है उसके नीचे दबा दिया था वो क्रॉस का साइन इन द स्नो। दैट मीन्स कि हम लोग जिस भी गॉड को मानते थे या जिस भी रिलीजन को मानते थे उनके अकॉर्डिंग हमने वहां पर हमारे जो सिंबल्स थे वो हमने छोड़े। दीज आर नॉट सिंबल्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट बट ऑफ रेवरेंस। और ये सिर्फ इस तरीके के सिंबल नहीं थे कि हमने यहाँ पर जीत हासिल की है, हमने थैंकफुलनेस के लिए हम जिस गॉड को मानते हैं उनको ये चीज जो थी वो हम अपनी थैंकफुलनेस जो थी वो शो कर रहे थे, ना कि हमने ये जीत के तौर पे यहाँ पर ये सारी चीजें छोड़ी थी। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइम टू द समिट चेंजेस यू कम्प्लीटली। और जब आप ये एक्सपीरियंस करते हो ना कि आपने, जैसे कि अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो, या फिर जब हमने ये चीज की थी, जब हमने क्लाइम किया था माउंट एवरेस्ट को, तो जो एक्सपीरियंस हमने फील किया था ना, दैट चेंज अस कम्प्लीटली। देर इज अनदर समिट, इट इज विद इन योर सेल्फ, इट इज इन योर ओन माइंड। और इस तरीके से जो हमने एक समिट जो हमने अचीव किया था, इसी तरीके से एक और समिट भी है जो हमारे अंदर होता है। एक पीक हमारे खुद के माइंड के अंदर होता है। ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज ओन माउंटेन पीक। और इस तरीके से हर इंसान अपने अंदर एक माउंटेन पीक लेकर घूम रहा है, दैट मीन्स कि एक शिखर, एक पीक हमारे अंदर भी होता है जिसे हम अचीव करना चाहते हैं, वो जो सबसे हार्ड होता है, डिफिकल्ट होता है। ही मस्ट क्लाइमिंग टू रीच टू अ फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ, कि उसमें हम चाहते हैं कि जो भी हमारा इंटरेस्ट होता है उसकी फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ, कि वो जब इंसान खुद खुद को जान लेता है, पूरी नॉलेज हो जाती है उसको अपने आप की, उस जो माउंटेन पीक पे, तब वो पहुंच पाता है। इट इज फियरफुल एंड अनस्केलेबल, वो फियरफुल भी है और अनस्केलेबल, दैट मीन्स कि हम उसे माप नहीं सकते। इट कांट बी क्लाइम्ड बाय एनीवन एल्स, और वो कोई और हमारे लिए क्लाइम नहीं कर सकता, वो हम हमारे अंदर, हमारे माइंड के अंदर जो समिट होता है उसे सिर्फ हमारे अलावा और कोई भी
नहीं क्लाइंब कर सकता, दैट मींस कि सिर्फ हम क्लाइंब कर सकते हैं, यू योर सेल्फ हैव टू डू इट, और ये आपको खुद करना पड़ेगा. द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द समिट ऑफ अ माउंटेन, दैट सॉरी यहाँ पर ये सेंटेंस हम बाद में देखेंगे. द ऑथर एंड द पो दौरजी ऑन द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट, यहाँ पे जो ऑथर हैं HPS अलूवालिया जी और इनके एक कंपेनियन है पो दौरजी, जो अभी हमने देखे थे कि उन्होंने वहां पर क्या छोड़ा था, वहां पर उन्होंने छोड़ा था अ रैलिक ऑफ द बुद्धा. तो ये दोनों यहाँ पर माउंट एवरेस्ट पे हैं और ये पिक्चर शेयर की गई है. अब यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे कि समिट विद इन का, कि खुद के अंदर भी एक पीक होता है, तो द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द समिट ऑफ अ माउंटेन आउटसाइड टू द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन विद इन, तो दैट मीन्स कि अगर हम देखें तो जो हम जो पीक पे पहुंचे थे, माउंट एवरेस्ट की पीक पे पहुंचे थे, उससे भी डिफिकल्ट है वो माउंटेन क्लाइम करना जो हमारे अंदर होता है, वो उस पीक पे पहुंचना जो हमारे अंदर होता है. द इफेक्ट्स ऑफ बोथ द क्लाइम्स आर द सेम, और दोनों ही पीक्स पे पहुंचना, दोनों की चोटी पर पहुंचने पे जो इफेक्ट होता है वो सेम होता है. वेदर द माउंटेन यू क्लाइम इज फिजिकल और इमोशनल और स्पिरिचुअल, द क्लाइम विल सर्टेनली चेंज यू. दैट मीन्स कि अगर आप माउंटेन पे जब चढ़ते हो, आप क्लाइम करते हो, तो फिजिकल हो चाहे इमोशनल हो चाहे स्पिरिचुअल हो, जो भी आपको चेंज आता है, द क्लाइम विल सर्टेनली चेंज यू. कहीं ना कहीं फिजिकल, इमोशनल या स्पिरिचुअल चेंज आपके अंदर आएगा ही. इट टीचेज यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योर सेल्फ. ये जो चीजें होंगी, जो ये चेंज होगा आपके अंदर, ये आपको बहुत कुछ सिखाएगा इस दुनिया के बारे में और आपके खुद के बारे में. आई वेंचर टू थिंक दैट माई एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्टर हैज प्रोवाइड मी द इंस्पिरेशन टू फेस लाइफ ओडिल्स रेजोल्यूटली. दैट मीन्स कि यहाँ पर क्या बता रखा है कि आपके अंदर जो चेंज आता है, जब आप कोई जो पीक है उसको क्लाइम करते हो, जो चेंज आता है वो बहुत ही अलग होता है, वो चाहे किसी भी वे में हो. जैसे कि जब मैंने ये एक्सपीरियंस किया था एज ए एवरेस्टर, मतलब कि जब मैंने एवरेस्ट पे क्लाइम किया था, तो ये मुझे लाइफ में एक इंस्पिरेशन दिया था कि आपको लाइफ के जो हर्डल्स होते हैं, जो डिफिकल्टीज होती हैं, जो पेनफुल एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनको किस तरीके से शांति से, फिमनेस के साथ में आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो. दैट मीन्स कि आपको एक और नज़रिया मिलता है चीज़ों को देखने का. क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज ए वर्थ वाइल एक्सपीरियंस, और मतलब माउंटेन्स को क्लाइंब करना एक वर्थ वाइल एक्सपीरियंस है. द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द इटर्नल समिट इज इक्वली वर्थ वाइल, और दैट मीन्स कि मतलब जब हम एवरेस्ट को क्लाइंब करते हैं, तो वो जो वर्थफुल है, वर्थ वाइल है एक्सपीरियंस, उसी तरीके से अगर हम अपने इंटरनल समिट, दैट मीन्स कि हम अपने अंदर की माइंड की जो चोटी होती है, उसका जो पीक होता है, अगर हमने उसको जीतते हैं ना, तो भी वो इक्वली वर्थ वाइल होता है. द इंटरनल समिट्स आर परहैप्स हायर देन एवरेस्ट, और होता है ऐसा कि जो इंटरनल समिट्स होते हैं वो एवरेस्ट से भी ज़्यादा हायर होते हैं, उनको पाना इतना ही ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन अगर हमने उसे पा लिया है, हम चाहे किसी भी वे में हो, अगर हम स्पिरिचुअली खुद को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, या फिर हम खुद को स्पिरिचुअलिटी में हम हाईएस्ट पीक पे पहुंचाना चाहते हैं, इमोशन में चाहे फिजिकल में, किसी भी चीज़ में अगर हम खुद को पीक पे पहुंचाना चाहते हैं, तो ये डिफिकल्ट है, एक माउंट एवरेस्ट से भी डिफिकल्ट है, लेकिन अगर माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना वर्थ वाइल है, तो उससे भी ज़्यादा वर्थ वाइल है ये अपने इंटरनल पीक पे पहुंचना. सो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा चैप्टर था HPS अलूवालिया जी का. होप यू लाइक इट. इफ यू लाइक इट प्लीज हिट द थम्स अप बटन. प्लीज 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 सब्सक्राइब द चैनल. पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कमेंट सेक्शन. सो थैंक यू.